News 18, India. कार में रीमा प्रसाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चौहे। आज बिहार की सियासत में इतिहास रचने का दिन, और इतिहास रचते दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में आज ही मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और आज ही फिर एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार में चाहे जो समीकरण बने, जिस समीकरण का गठन हो, फिट बैठते हैं नीतीश कुमार, चाहे इधर रहे उधर रहे, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। यही सियासी सच्चाई कहिए या कड़वी सच्चाई कहिए, जो कहिए, सच्चाई यही है कि नौवीं दफे आज एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार सीएम ही बनेंगे। अभी कुछ घंटों के लिए कार्यकारी सीएम उनको कह सकते हैं आप। और बिहार में अब की बार एनडीए सरकार का गठन। नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, उससे पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और शाम करीब 5 बजे नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, उनके साथ कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा, यानी मंत्रिमंडल में साथी कौन होंगे, लगभग पूरा फॉर्मूला तय, नाम भी पूरी तरह से तय। बिल्कुल, 25 तारीख वो तारीख जिस दिन एक कैबिनेट की बैठक होती है, तेजस्वी और सीएम नीतीश कुमार एक दूसरे को देखते भी नहीं है, और ये बीते 48 घंटे की स्थिति ऐसी बदलेगी बिहार की राजनीति में कि अब नौवीं दफे शपथ होने जा रहा है शाम 5 बजे राजभवन में। हालांकि नीतीश कुमार जब भी शपथ लेते हैं कोई भव्य कार्यक्रम नहीं होता, क्योंकि इतनी आनन फानन में एक ही दिन में इस्तीफा, कुछ घंटों में क्या होता है शपथ ग्रहण, और शपथ कहाँ होता है, राजभवन में। राजभवन कहाँ है, एकाने मार्ग यानी सीएम हवा से जो राजभवन है सीएम हाउस से, उसकी दूरी कितनी है, वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब पैदल चल के आप जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले दिल की बात जुबा पर आई और नीतीश कुमार ने अपनी व्यथा सुनाई कि आखिरकार उन्हें अपने पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा, क्यों आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद राजभवन से निकले और उन्होंने कहा कि अब आरजेडी के साथ साथ निभाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा था, और जिस तरह से लोगों से उन्हें राय मिल रही थी, आखिरकार उसी राय पर उन्होंने अमल किया है और यह कदम उठाया। आप सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं हुआ क्या क्या है अभी तक। इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार ने सरकार छोड़ने की कई वजह गिनाई है, वो वजह क्या क्या है एक एक करके आपको बताएंगे प्रशांत। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि आरजेडी के साथ गठबंधन में काम करने में दिक्कत हो रही थी, और इस गठबंधन की वजह से उनकी पार्टी के लोगों की भी नाराजगी थी। आरजेडी के रवैये यानी आरजेडी के सलूक की वजह से लोग बेहद परेशान थे, ये लोग कौन है, उनका कहना है यानी नीतीश कुमार का कहना है कि जो मेरे पार्टी के ही लोग थे, विधायक थे, वो सभी नाराज चल रहे थे, परेशान चल रहे थे। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, थोड़ी परेशान, आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। अभी अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था, तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार की सियासत से ही जुड़ी हुई जो आ रही है, किस तरह से अपना दर्द नीतीश कुमार ने खुद बयां किया है और बताया कि ये कदम उठाने की आखिर वजह क्या थी, और अब 8 मंत्री शपथ लेंगे नीतीश कुमार के साथ, इस पूरे मंत्रिमंडल में कौन होंगे उनके साथ, उन नामों की फेहरिस्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। इस बार नया क्या है, नया ये है कि बीजेपी नए फॉर्मूले के साथ आई है, यानी लोकसभा चुनाव मुहाने पे 2024 को ध्यान में रखते हुए वो बिहार जहां जातीय समीकरण सबसे प्रमुखता से देखी जाती है, बीजेपी ने इस एजेंडे को फिट माना और किया क्या ये इस वक्त हम बताते हैं। सीधे मैं अपने सहयोगी अरुण का रुख करूंगी, ये जातीय समीकरण का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं अरुण का रुख करूंगी। अरुण, इस बीच कुछ नई बातें हुई है, उसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से आप समझेंगे सारा विश्लेषण।
देखिए बड़ी बात तो यह है कि 5 बजे स्पष्ट रूप से अब यह तय हो गया है कि शपथ ग्रहण का समारोह होगा। उनके साथ न सिर्फ उप मुख्यमंत्री बल्कि और मंत्री भी शपथ लेंगे, ये भी तय हो गया है। कौन मंत्री शपथ लेंगे उनका नाम भी तय हो गया है और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी बहुत जल्दी कर लिया जाएगा, ये सारी बातें तय हैं। बड़ा सवाल ये है कि 2024 के लिए सीट शेयरिंग, देखिए समय कम है, एक तरफ तो इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की बात करने के लिए भूपेश बघेल आने वाले थे पटना, लालू से बात भी हो गई थी, नीतीश कुमार से बात करने वाले थे, लेकिन अब वो तो चला गया पर्दे के पीछे। अब नए सिरे से बीजेपी, जेडीयू, हम और तीसरा जो चौथी जो पार्टी है चिराग पासवान, उनके बीच में सीटों का समझौता होगा। 40 सीटों में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये अगला जो कदम होगा वो एनडीए सरकार का होगा, सीटें फाइनल करना। तीसरी जो बात है सरप्राइजिंग एलिमेंट, अब शायद कुछ रहा नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जो पुराने उनके चेहरे थे, चाहे वो मोदी हो, जो उप मुख्यमंत्री यहाँ थे, उनको इस बार नहीं बनाया गया है। उसके पहले जो वो उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 2 उप मुख्यमंत्री थे ताराकिशोर प्रसाद और रेणु, उनको दोनों को नहीं बनाया गया है। सम्राट चौधरी जो प्रदेश के अध्यक्ष थे उनको बना दिया गया और विजय सिन्हा को। तो कास्ट कॉम्बिनेशन जो बिहार की उसको संतुलित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से नाम दिए और वैसे ही नाम जेडीयू की तरफ से है। कुल मिलाकर के जातियों का एक ऐसा गुलदस्ता है जो 2024 में एनडीए की नैया यहां पर पार लगाएगा, जो इंडिया गठबंधन के रहते मुश्किल नजर आ रहा था। और ये लगभग अब तय हो गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, ये तो उन लोगों के नामों की बात हो गई जो शपथ लेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण में जाएंगे कौन कौन, वो भी आतुरता लोगों को सुनने की है। देखिए मुझे नहीं लगता इतनी तामझाम होगी या इतने स्टेडियम में और कहीं राजभवन में शपथ होना है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं वहां पर, नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, तो मुझे लगता है आमतौर पर नेता विपक्ष को बुलाया जाता है, लेकिन अभी विपक्ष ये तो बना ही नहीं है। अभी पहली बार बिहार में ऐसा ही होता आ रहा है कि विपक्ष बदल जा रहा है लेकिन बिहार में सीएम नहीं बदल रहा, ये बड़े अरसे से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो छोटा समारोह है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर रहेंगे और नीतीश कुमार तो खुद रहेंगे ही, और गवर्नर के सामने छोटे समारोह में शपथ ली जाएगी। तो मुझे लगता है गणमान्य लोगों की बात बाद की बात है, एक सरकार जो पहले भी चल रही थी उसी सरकार को दोबारा लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 डिप्टी सीएम में 2 नए ऐसे चेहरे हैं, यानी बीजेपी ने इस बार प्रयोग किया है और पिछली बार से बदल कर प्रयोग किया है, और इस बार कोशिश ये हो रही है कि बीजेपी की तरफ से ऐसे लोग भी सामने आए जो राजनीति में भी अनुभवी हों और जनता के बीच में भी जा सके। अमिताभ जी, एक सवाल मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी, वाकई जातीय समीकरण का ही ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये 2 चेहरे, विजय सिन्हा जो कि जनरल कास्ट से आते हैं और लव कुश समीकरण में फिट बैठते हैं, सम्राट चौधरी, उन्हें मौका दिया गया है, लेकिन जेपी नड्डा का आना, क्या ये जो थोड़ी बातें चल रही थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज है, कुछ सीनियर लीडर्स नाराज है कि आप फिर क्यों जा रहे, क्या ये मैसेज देने के लिए कि हम सब साथ हैं, एकजुटता है, पार्टी के सर्वे सर्वा जो नेता है संगठन के लिहाज से वो यहाँ पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, ये बीजेपी स्टेट यूनिट में तो अरसे से नाराजगी थी, अब सीधे सीधे तलखी में लोग अपनी टिप्पणियां भी कर रहे थे नीतीश कुमार पर। आपको याद होगा अभी कल परसों भी जब हंगामा चल रहा था कि बीजेपी के साथ दिल्ली में जब नेता मिल रहे थे, उस समय बीजेपी बिहार की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट भी आई थी शराबबंदी को लेकर, बिहार में शराब के अवैध व्यापार को लेकर नीतीश कुमार पर बीजेपी की बिहार यूनिट ने भी सीधा निशाना साधा था। तो मुझे, और अब हर नेता वोकल था, चाहे दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह हो, चाहे बिहार के कोई भी प्रवक्ता हो, सीधा निशाना साध रहा था उस बिहार बीजेपी की बाहर यूनिट को। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व, तो हाई कमांड ने कुछ आईना दिखाया है कि लोकसभा चुनाव में ये हमारी ज़रूरत भी है, और मुझे लगता है कि जितनी ज़रूरत नीतीश कुमार को थी कि उनकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा था, दूसरा बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी वहाँ से बाहर निकलती जा रही थी, लोग बिहार में फिर से जंगल राज बोल रहे थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो उनकी विश्वसनीयता थी उस पर निशाना सज रहा था। और दूसरी बात, पार्टी के अंदर भी एक बड़ा तबका था जो कि नीतीश कुमार को चाहता था कि वापस बीजेपी के पास आता है। ललन सिंह से नीतीश कुमार नाराज थे कि ललन सिंह कहीं आरजेडी के साथ टूट करना चले जाएं। तो ये तमाम पार्टी के अंदर प्रॉब्लम, जनता के साथ प्रॉब्लम, इंडी गठबंधन के साथ प्रॉब्लम, तो नीतीश जी चारों तरफ से घिर गए थे। ऐसे में बीजेपी को लगा जब नीतीश कुमार घिरे हुए हैं तब उनके साथ जाने में बुराई नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में अमिताभ जी दिन ओवैसी को उम्मीद करता हूं कि ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के जो अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और जो हमारे सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू, ओबीसी और दलित भाई हैं, वो देखेंगे इन चीजों को कि कैसे सेकुलरिज्म के नाम पर चुनाव में तो वोट लिया जाता है और उसके बाद फिर आपकी वोट को ले जाकर आरएसएस और मोदी के झोली में रख दिया जाता है।
तो उम्मीद करते हैं कि वो इससे एक इसका नोट लेंगे और उन पार्टीज का साथ देंगे जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप करना चाहती है। सर, आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? एक मिनट, आप वहाँ के जितने सियासी खिलाड़ी हैं, आप सबको एक लाइन से दोषी ठहरा रहे हैं। बिल्कुल। और तब विकल्प कौन है? आप विकल्प हैं? नहीं, विकल्प का नहीं बात, नहीं नहीं नहीं, विकल्प विकल्प की हम बात नहीं कर, वहां तो विकल्प रहा ही नहीं। अब सबने, तीनों ने मिलकर तो बिहार जनता को धोखा दिया है। हम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं सर, आप स्वागत कर रहे हैं एनडीए में, स्वागत कर रहे हैं, लागी नीतीश कुमार से कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान, मजबूती से मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूँ, उनके हर फैसलों के साथ मैं खड़ा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप गठबंधन में जब हों तो हर फैसले से आप सहमत ही हों, हर फैसले से आप खुशी हों, पर राष्ट्र हित में जब फैसले लिए जाते हैं, देश हित में जब फैसले लिए जाते हैं, यकीनन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि आज हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बड़े लक्ष्य को साधने के लिए यकीनन कई और ऐसे फैसलों को लिया जाता है या लेना पड़ता है जिससे आप संभवतः पूर्णतः सहमत नहीं हैं।